औरैया में सफाईकर्मियों ने नगर पालिका में जमकर तोड़फोड़ की है, मारपीट की गई है। पूरा मामला कोतवाली क्षेत्र का है। खबर के मुताबिक एक सफाईकर्मी के घायल होने से नाराज सफाईकर्मियों ने हंगामा किया है। पूरे मामले में दोनों तरफ से केस दर्ज कराया गया है। खबर है कि नगर पालिका परिषद ने 7 नामजद और 50 अज्ञात उपद्रवियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है, जबकि सफाई कर्मचारियों ने 6 नामजद नगर पालिका कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। हालांकि इस मामले में अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। नेशनल वॉइस की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए, यहीं पर यह हंगामा हुआ है, आपस में दोनों पक्ष भिड़ गए हैं। अक्षय मिश्रा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जी अक्षय, अभी क्या हालात हैं और दोनों तरफ से शिकायत दर्ज कराई गई है, पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? जी बिल्कुल, बताएं अगर अभी हालात देखे जाए तो अभी हालात काबू में है। फिलहाल हम आपको पूरा मामला बताते हैं। ये मामला कल का है, नगर पालिका का, जहाँ पर कल सुबह जो कुलदीप नाम का सफाई कर्मी था, ये किले वो शहर के ही प्राथमिक नर्सिंग होम के पास सफाई कर रहा था, तभी अचानक नाले की सफाई करते वक्त ये पटिया टूटकर उसके पैर पर गिर पड़ी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। तभी उसके जो उसके साथी थे उन्होंने उसको उठाकर वहां से उपचार के लिए एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां से उसे कानपुर के रेफर कर दिया गया। इसी को लेकर, इसी पूरे मामले को लेकर जो इनके साथी थे सफाईकर्मी के, वो पैसे की मांग कर रहे थे अपने विभागीय अधिकारियों से कि उनको पैसे की मदद दी जाए, उनके पास तो यदि पैसा नहीं है। लेकिन विभागीय अधिकारियों द्वारा पैसे ना देने पर ये लोग नाराज हो गए, खासा नाराज हो गए। इन्होंने नगर पालिका में जाकर तोड़ फोड़ की, हंगामा किया और जो वहां पर किलर वगैरह और भी जो अधिकारी थे उनके साथ मारपीट की। फिलहाल अभी तक देखा जाए तो जो नगर पालिका परिषद की तरफ से उपद्रवी थे, जो उपद्रवी इनमें से 6 को चिन्हित करके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है और 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। जी अक्षय, किसी को हिरासत में लिया गया है क्या? बिल्कुल, अभी तक अगर देखा जाए तो अभी तक एक भी लोगों को हिरासत में नहीं लिया गया है, सभी अभी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस की अगर माने तो 6 जो नामजद किए गए हैं उनको, वो भी अभी फरार चल रहे हैं, किसी की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। जी जानकारी के लिए अक्षय आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगरा में एक दारोगा की दबंगई का वीडियो वायरल हुआ है। खबर के मुताबिक इस दारोगा पर खाकी की खनक दिखाकर एक बैंक कर्मचारी पर नोट बदलने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगा है। कर्मचारी जब इसके दबाव में नहीं आया तो उसने बैंक स्टाफ के साथ अभद्रता की और हवालात की हवा खिलाने की धमकी तक दे डाली। घटना एतमदौला थाना क्षेत्र के कालिंदी विहार 100 फुटा रोड स्थित यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की है। आरोपी दारोगा मंडी समिति चौकी का इंचार्ज है। दारोगा की ये दबंगई सीसीटीवी में कैद हो गई। तस्वीरों में आप भी देख सकते हैं कि किस तरह दबंग दारोगा अपनी रौब दिखा रहा है। बैंक कर्मचारियों ने पुलिस को इसकी जानकारी भी दी है, जिसकी जांच के बाद दारोगा मनोज, जिसका नाम बताया जा रहा है, उसे लाइन हाजिर कर दिया गया है। हमारे संवाददाता सज्जन सागर इस वक्त हमारे साथ आगरा से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। क्या दबंगई इसने दिखाई है, किस तरह से लोगों को परेशान कर रहा था सज्जन ये दारोगा और किस तरह की कार्रवाई अब इसके खिलाफ की जाएगी? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नोटबंदी को लेकर जो है बाहर लाइने लगी, तमाम सारी बड़ी भीड़ लगी रहती है यहाँ पर और इसको लेकर लोग घंटों इंतजार करते हैं, उसके बाद से उनका नंबर आ पाता है। ये जो दारोगा थाना एतमदौला की जो मंडी कंपनी करके इंचार्ज है मनोज कुमार नाम का ये दरोगा है, ये वहाँ नोट बदलवाने के लिए पहुंचा था और बैंक कर्मचारियों पर अपना पति का रोक काट कर जो है वहाँ से रकम बदलवाने का प्रयास कर रहा था, जिस पर बैंक कर्मचारी ने इसकी बात को अनाकानी कर दी। तो इसने अपनी दबंगे दिखाते हुए जो है जमकर उसके बाद अस्पताल के ना सिर्फ उसके साथ बल्कि और लोगों के साथ भी अस्पताल की थी। जानकारी के लिए सज्जन आपका बहुत बहुत शुक्रिया।